हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और यह जो नोटिस है वो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को मैं एक एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही आप लोगों को वीडियो भी बताता हूँ और साथ ही साथ में आपको जानकारी भी दिया जाता है यहाँ पर। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नोटिस है, ये जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के, यानी कि 10+2 लेवल का जो एग्जाम होगा SSC की ओर से, उसी के बारे में यह नोटिस है। तो अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 10+2 पास किए हैं वो अब इसको भर सकते हैं। तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन आप 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च तक भर सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ साथ लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन का वो तो आपको बता ही दिया मैं, यहाँ पर 7 मार्च को है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। ऑनलाइन फी पेमेंट का जो है लास्ट डेट वो है 1 दिन के बाद, यानी कि 8 मार्च को है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। ऑफलाइन चालान भी आप लोग पे कर सकते हैं, तो उसके लिए है 9 मार्च का डेट है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो चालान के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वह है आपका 10 मार्च तक, यानी कि 10 मार्च 2022। डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, तो यहाँ पे जो विंडो खुलेगा अगर किसी का फॉर्म फिलअप में गलती हुआ है तो उसके लिए जो है लास्ट डेट जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका है 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक में आप लोग उसको चेंज करा सकते हैं या उसको सुधार सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1, तो टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो मई 2022 में होगा। आपको ये ध्यान रखना है जो CBT होगा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसके लिए वो आपका मई में है। और जो टायर 2 एग्जामिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो आपका 2 भी नोटिफाइड लेटर वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो ये जो आपको डेट्स है वो डेट्स को ध्यान रखना है आपको, जो कि आज 1 फरवरी से ये भराना शुरू हो गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है और चीज़ें क्या क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक करके बताता हूँ, जो जहाँ जहाँ से जानकारी होगा। तो यहाँ पर द सिलेक्शन कमीशन विल बी होल्ड ए कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, यहाँ पे LDC के लिए है। साथ ही साथ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का है, पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो इसके लिए वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस में होगा आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेचुटरी बॉडी, ट्रिब्यूनल्स, इट्स द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर एज अंडर। तो इसके बारे में है कि आपको LDC में जूनियर सेक्रेटरिएट होगा, पोस्टल असिस्टेंट में होगा, इन सारे पोस्ट में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। पे स्केल आप देख सकते हैं, ये जो है LDC आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट है, पे स्केल है आपका 19,900 से 63,200 तक। पोस्टल के लिए आप यहाँ पे साथ साथ देख ही सकते हैं। और फिर यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर है, साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर है DEO और Grade 1, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका भी देख सकते हैं। वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपलोड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन कैंडिडेट्स कॉर्नर कैंडिडेट वैकेंसी। तो यहाँ पे आप कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे जो है रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे जो है ST SC लोग के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे और चीज़ें भी है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा बहुत है, उसके बाद यहाँ पर परमिशन ऑफ डिसेबिलिटी फॉर PWD ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सामने से देख सकते हैं किस प्रकार से है, बहुत ज़्यादा ही पेज में दिया हुआ है। तो इसी कारण से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी में। यहाँ पे जो है एज लिमिट है, वो एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 से 27 साल तक का यहाँ पे भरेगा फॉर्म जो भी कैंडिडेट उसका 1/1/2022 को, यानी कि 1 जनवरी 2022 तक में इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। 18 से 27 साल तक होना चाहिए। तो कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एज है वो है कि कैंडिडेट्स को 1 जनवरी 2095 से पहले का और 1 जनवरी 2004 के बीच का नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, तो जिसका भी कैंडिडेट्स का एज होगी 18 से 27 वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद में है परमिसेबल रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे दिया जाएगा आपको। तो ST SC के लिए है 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5 साल का छूट मिलेगा। OBC के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल के लिए, PWD के 10 साल, PWD OBC के 13 साल है, यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसका भी एज कम्प्लीट हो गया है वो फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, और जो भी है बड़े हैं तो वो भी अपना रिलैक्सेशन के हिसाब से भर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ फील्ड भी कैंडिडेट्स ऑन द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ द सेम ऑफ मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तो ये जो चीज़ें हैं वो मैट्रिक के आधार पर ही सारा आपको फिलअप कर लेना है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय। तो इसके बाद मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे और थोड़ा सा दिखाता हूँ
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे है एसटीएससी का फॉर्मेट है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर इसको, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूँ, एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखना चाहेंगे तो 7 मार्च 2022 तक में आपका हो जाना चाहिए। तो फॉर LDC JSA PASADEO, तो उसके लिए होना चाहिए आपको 12th पास एकदम होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो ये जो है आपका LDC JSA PADEO के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, उसके बाद में इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन भी पास हो जाना चाहिए और यह 7 तारीख तक हो जाना चाहिए, यानी 7 मार्च तक। फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड ए के लिए इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG CAG। तो यहाँ पे जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड वन के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, वो भी साइंस के साथ में, और उसमें मैथ भी होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड वन को, ग्रेड ए को। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये जो है आपका 7 मार्च 2022 तक में आपका सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसके लिए भी आप भरना चाह रहे हैं फॉर्म, ये है। इसके बाद में यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं वो सारा चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे है इट इज रिटायर्ड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर बाय द बोर्ड। तो मतलब साफ साफ कहा गया है कि आपका उससे पहले तक में सारा चीज़ हो जाना चाहिए, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए किसी भी चीज़ में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप हाउ टू अप्लाई में देख सकते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के विजिट करके इसको डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो फोटो है वो आपको 20 से 50 KB का होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स एंड ओल्डर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए ये फोटो है, और इसका जो है साइज़ वो तो आप लोगों को ध्यान में देखना ही है। द फोटो प्रॉपर डाउनलोड होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये भी आप लोग देख रहे हैं। और ये जो है लास्ट डेट, वो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, और जो भी लास्ट डेट था वो आप लोगों को ध्यान कर लेना है। अब अप्लीकेशन फ़ी में है कि 100 रुपया लिया जाएगा। जो यहाँ पे है SC है, ST है, PWD है, ESM है, उन लोगों को यहाँ पे फ़ी नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्टेंट ऑफ फ़ी लिया हुआ है। और बाद बाकी आप लोग फ़ी को भीम UPI SBI डेबिट कार्ड ये सब से आप पे कर सकते हैं, ये भी है। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो भी आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि 8 मार्च तक आप लोग पे कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है सारा चीज़ें हो जाएगा क्लियर। फिर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो है आपका 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो कि है 11 मार्च से 15 मार्च तक में। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, विंडो पर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा और 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम में, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेज है तो देखिए मैं आप लोगों को कितना बता दूंगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया, विभिन्न सेंटरों में रहेगा एग्जाम, तो आप लोग अपने हिसाब से सेंटर चूज कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर है, अब एग्जामिनेशन के बारे में बताता हूँ मैं, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वह है कि एग्जामिनेशन कॉन्टेस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 और डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 2 एंड स्किल टेस्ट टाइपिंग होगा पेपर 3, यानी कि टायर 1 टायर 2 और टायर 3 होगा। जो सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद में CVT में 2 में जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर, और 3rd में स्किल टेस्ट होगा, जिसका जिसका स्किल टेस्ट होगा वो। तो ये सब आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि 3 फेज में एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है टायर 1 में है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस है, ये 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, और साथ में उसका जो डबल डबल मार्क रहेगा। तो ये आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। टायर 1 का एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेगेटिव भी रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। और फिर नॉर्मलाइज फॉर्मूला के हिसाब से भी आपका कट ऑफ मार्क्स और फाइनल मेरिट निकलेगा, ये भी यहाँ पे कहा गया है। और जो इसका आंसर की होगा वो भी आपको बाद में जारी कर दिया जाएगा, ये भी कहना है। साथ साथ में यहाँ पे जो है आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस है, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से ध्यान में पढ़ेंगे। अब देखिए टायर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें आप देख सकते हैं कि 100 मार्क का होगा पेनल पेपर मोड में, देन अदर डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी 1 आवर का होगा। तो यहाँ पर होगा आपको एसे और लेटर लिखना है, ये ध्यान में। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टायर 3 इज 33%, यानी कि 33% आपको लाना है तब जाके ये पास जाइएगा। ये हिंदी इंग्लिश में हो सकता है, यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद में आपको जितना भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये तो टायर 3 स्किल टेस्ट है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप एक एक करके सारी चीज़ को देख सकते हैं, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो है टाइपिंग भी है, यहाँ पर सारा चीज़ वो भी आप लोग देख लीजिएगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और इधर में जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को फिर कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो भी है यहाँ पर एसएससी की ओर से जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 2021 का जो है नोटिस आ गया है, और इसका जो है डेट यहाँ पे ऑनलाइन करने का वो 1 फरवरी 2022 से लेकर के 7 मार्च तक में होगा, और लास्ट डेट जो है वो भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि यह है आपका 7 मार्च तक में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 10+2 पास किए हैं वो अब इस फॉर्म को आज से ही भर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा नोटिस आया हुआ है एसएससी की ओर से, आप लोग पढ़ने में ध्यान दे दीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए ताकि अब एग्जाम आए तो फिर आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं।